मैं पंजाब गई थी, वहाँ जिनके घर में रुकी थी तो उन्होंने बताया कि बहन जी हमारा पूरा घर जो है वो आनंदपुर साहब को मानता है। जब मैं उनके घर गई तो मंदिर में पूरे आनंदपुर साहब के श्री चित्र पड़े थे, लेकिन एक और बापू जी का श्री चित्र दर्शन हो रहे थे। तो वहाँ मेरा निवास था, उन्होंने बताया कि बहन जी हमारा पूरा घर आनंदपुर साहब को मानता है, पर मैं पूज्य बापूजी से दीक्षित हूँ। मैंने कहा तो ऐसा कैसे? बताया कि मेरा पूरा घर गुरुद्वार पर आनंदपुर दर्शन करने गया था, मैं घर पे अकेला बैठा था। तो मैंने अपने कुछ मित्रों को फ़ोन किया और कहा कि आ जाओ, आज घर पे कोई नहीं है, थोड़ा पीने वाली पार्टी कर लेते हैं। तो मेरे मित्र शराब भी ले आए, खाने पीने की व्यवस्था कराए, घर पे कोई नहीं था और हम लोग सब खाने पीने बैठ गए। बैठते बैठते खाते पीते रात्रि हो गई, तब मेरा एक मित्र बोला, अरे एक संत हैं वो कहते हैं जाम पर जाम पीने से क्या फ़ायदा, ये तो रात को पियोगे तो सुबह को उतर जाएगी, अरे ऐसी प्याली पी के तेरी सारी ज़िंदगी सुधर जाएगी। तो जो दीक्षित नहीं था तब, उसने कहा कि कौन संत हैं, जरा मुझे भी उनकी सीढ़ी देना। कहा कल आना दुकान पे, बहुत अच्छा बोलते हैं बाबा जी, बहुत आनंद आता है। तो कल मध्याह्न में उनके पास सीढ़ी लेने चला गया, तब सीढ़ियाँ चलती थी। वो सीढ़ी लेकर रात को उसके घर पे कोई नहीं था, उसने सीढ़ी सुनी, एक बार सुनी, दो बार सुनी, सुबह सुनी और 10 बजे फिर दुकान पे पहुंच गया। कहा ये ले लो, पूरी हो गई, दूसरी दो। दूसरी ले आया, तीसरी ले आया, चौथी ले आया और पांचवें दिन बोला बाबा जी कहाँ रहते हैं, मुझे दर्शन करने हैं। तो कहा मुझे भी नहीं पता, इस पे अहमदाबाद लिखा हुआ है, मुझे भी किसी ने सीढ़ी सुनने दी थी। तो उसने पूज्य बापू जी का पूरा पता निकलवाया तो अहमदाबाद, और थोड़े दिनों बाद ही बापू जी पंजाब गए, वो लड़का वहाँ गया और पूरा परिवार आनंदपुर साहब, लेकिन वो पूज्य बापू से दीक्षा लेकर आ गए। तो जब मैं उनके घर गई तो मुझे बता रहा था कि मैं पूज्य बापू जी को सदैव सदैव दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ कि मुझे ज्ञान दिया, दीक्षा दी। पर वो साधक जब भी मुझे मिलता है ना, जिसने मुझे सीढ़ी दी थी, मैं उसके हमेशा पैर छूता हूँ कि तूने मुझे सीढ़ी न दी होती तो मैं आज बापू तक, बोलो, नहीं पहुँच सकता। तो मैं उसको कभी नहीं भूलता हूँ। तो वो साधक उसके लिए सेतु बना, वो साधक उसके लिए माध्यम बना।